बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम नस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व नतूबु इलैह अल्लाहुम्मा 'अल्लिमना मा यन्फ़ऊना व 'अल्लिमना बिमा वन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना व ज़िदना इल्मा आमीन। मेरे भाइयों, आज हमें अगले इंशाल्लाह 6-7 सेशन में एक के बाद एक इमाम के उनकी जो बायोग्राफी है हमारे उन अजीम मुकद्दस हस्तियों की कि जिन्होंने जिनको अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से मुंतखब किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा करें और उम्मत को बताएं कि सही हदीसें कौन सी है, झूठी कौन सी है, किन हदीसों में मिलावट की गई है, तो उसको बताने के लिए आज इंशाल्लाह जिक्र करते हैं। और जब भी आप ये कहेंगे कि हदीसों को जिन इमामों ने जमा किया, जिन उलमा ने, तो वो कौन कौन से हैं, तो किसी अदना तकल्लुफ के बग़ैर वो जो है सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाएगा। सबसे पहले इसमें कोई शुबा नहीं है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस जिस किताब में सारी हदीसों को जमा किया तो उसका नाम ही पड़ गया है सहीह बुखारी। और इमाम मुस्लिम ने जिन हदीसों को जमा किया उसका नाम भी पड़ गया सहीह मुस्लिम। और इन दो हजरात के अलावा बाकी जिन उलमा ने हदीसों को जमा किया उनकी काविशों को भी उम्मत ने सराहा, लेकिन उनमें से किसी को लफ्ज सही नहीं कहा गया। फिर उनके नामों और उनके तखल्लुस के एतबार से उनको उनकी किताबों का नाम पड़ गया, जैसे आप कहते हैं तिर्मिज़ी शरीफ, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसई वगैरह वगैरह। और उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि असाहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह तआला सहीहुल बुखारी, अल्लाह ताला की किताब के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा अथेंटिक है, काबिल एतमाद है, हर लिहाज से सही है, तो इमाम बुखारी की किताब है। इसलिए उनका नाम ही पड़ गया अलजामे सही। अरबी में लफ्ज़ जामे जो कहा जाता वो ऐसी जगह को कहा जाता है या ऐसी चीज़ को कि जिसने किसी चीज़ को हर तरफ से उसकी सारी मालूमात दे दी हो। तो बहरहाल हम सबसे पहले इमाम बुखारी की ज़िंदगी के कुछ हालात सुनेंगे। हालात तो उनके बहुत लंबे चौड़े हैं, मैंने कोशिश की है कि उनकी ज़िंदगी की जो ख़ास बातें हैं वो आप तक पहुंचा दूं। सबसे पहली बात यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, बचपन में क्या किया, जवानी में क्या हुआ, बुखारी शरीफ लिखने का काम कब से शुरू किया, वो मुकम्मल कैसे हुआ, कितने दिनों में या सालों में हुआ, और उनमें उसमें जो उन्होंने हदीसें जमा की हैं वो कितनी हदीसें हैं, और उन हदीसों को जब सही कहा जाता है तो किस वजह से कहा जाता है, इमाम बुखारी ने क्या इसके अलावा भी और किताबें लिखी हैं, तो इन सब बातों को इंशाल्लाह आज कवर करते हैं। इमाम बुखारी की ज़हानत, उनकी मेमोरी आप सुनेंगे, आपका दिल कहेगा कि जैसे इस आदमी को ना ऑर्डर देकर स्पेशली बना गया था। जैसे इंसानों की दुनिया में ऑर्डर देते हैं तो एक स्पेशल चीज़ बनती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की छान पटक के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जैसे कि स्पेशल बनाया। तो इमाम बुखारी का जो पूरा नाम है वो यह है कि उनके उनके बेटे का नाम था अब्दुल्ला, तो उस लिहाज से अरबों में जैसे तरीक़ा है बोलने का कि वो बेटे की तरफ नस्बत करते हैं अबू अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला नहीं पढ़ेंगे अरबी कायदे के दवा से, अबू के बाद अब्द पर जेर आएगा अबू अब्दुल्ला। उनका खुद का नाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का था मुहम्मद। इमाम बुखारी का असली नाम जैसे आपका नाम आदम, हबीब, अनवर, सुलेमान और मेरा जफर है, ऐसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम था मुहम्मद और उनके वालिद का नाम था इस्माइल। तो कहेंगे अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगैरा बिन बरदिसबह। तो उनके जद्द अमजद में जो नाम आता है लास्ट में वो आता है बरदिसबह। और अरबी ख़ानदानों की तरफ जो नस्बत की जाती है तो इसके बाद में फिर लफ्ज़ आता है अलजौफ़ी, अलिफ लाम जीम आयन फा या अलजौफ़ी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नमाज जुमा के बाद 17 शव्वाल सन हिजरी, हिजरत से जब आप काउंटिंग करेंगे
तो 194 में इमाम बुखारी शव्वाल 17 शव्वाल को बुखारा शहर में पैदा हुए। इनके जद्द अमजद में जो आखिरी नाम आता है लफ्ज बर दिस बह बा रा दाल जा बा बर दिस बह, ये असल में फारसी थे, ये मुसलमान नहीं थे। सोचिए इनके फर्जन जो है मुगीरा वो हजरत यमान अल जौफी, कोई बहुत बड़े अल्लाह वाले होंगे तो हजरत यमान अल जौफी के दाम हाथ पर इन बर्दिस्बा के बेटे मुगीरा मुसलमान हुए। और उस वक्त कायदा ऐसा था कि जो शख्स जिस शख्स के हाथ पर इस्लाम कबूल करता था तो जो उसकी नस्बत है वो नौ मुस्लिम को दे दी जाती थी। इसलिए फारसी उल असल होने के बावजूद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम में अरबों की नस्बत अल जौफी साथ में लग गई। और इसके बाद जो है ऐसा हुआ कि इनके जो वालिद थे इस्माइल इमाम बुखारी के, इमाम मोहम्मद अल बुखारी, समझने के लिए कहूँगा इमाम मोहम्मद अल बुखारी के वालिद हजरत इस्माइल जो कि वालिद थे रहमतुल्लाह जमीयान, कि उनका भी हाल ऐसा रहा कि वो जो है मुख्तलिफ लोगों से जो है उन्होंने कुरान को है उन्होंने हदीसों को रिवायत किया है, खुद उनके वालिद ने भी। यानी रिवायत करने का क्या मतलब होता है, इसे जहन में रखिए। रिवायत करने का मतलब यह है उस जमाने में कि किसी मोतबर शख्स से जिसके बारे में आपको मालूम हुआ कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से एक हदीस उन तक पहुंची, तो जिसे शौक है वो उनके पास जाए, उनका जायजा ले, उन पर अगर बस्ती में लोगों को एतमाद हो तो उनसे कहे कि भाई मैं आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपकी जबान से मैं ये सुनूं कि आपको ये हदीस कहाँ से कैसे मालूम हुई और वो हदीस के अल्फाज क्या हैं। तो फिर वो साहब जिनके जिन्होंने वो हदीस सुनी है वो उसको बयान करते हैं कि मैंने फलां से सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, 3-4-8 नाम लिखे कहते हैं उन्होंने फलां साहबी से सुना, फलां साहबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इस तरह के बयान करने को कहते हैं रिवायत। हम अपनी जबान में समझने के लिए कहते हैं बयान किया, हम इंग्लिश में कहते हैं नरेशन किया, व्हाट्स एवर। तो हजरत उनके जो वालिद थे हजरत इस्माइल, उन्होंने भी बाज़ हदीसें सुनी हैं और बयान की है। अच्छा, उन्होंने जो है मुख्तलिफ उलमा से उस जमाने के सुना, इमाम बुखारी से पहले जो हदीसों के उस्ताद समझे जाते थे, जिनका नाम था, जिन पर उम्मत को भरोसा था, जैसे हजरत हम्माद बिन सैद, और खुद हमारे मशहूर इमामों में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी सुना है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। और हजरत इस्माइल, अब ये है हमारे बड़े काम की बात सुनने की। देखिए, इस्लाम की तारीख ने इस बात की गवाही दी है कि अगर किसी के ख़ानदान में किसी फर्द ने कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है फिका में, हदीस में, तफसीर में, अरबी जबान व अदब में, तजवीद में, किरत में, तो वो उसकी वजह ये थी कि उसके वालिदैन, वो खुद नहीं, वो खुद भी ज़रूरी है, उसके वालिदैन हराम चीज़ों से दूर थे। इस्लाम में इस बात की बड़ी अहमियत है कि तुम्हारे पेट में जो गिज़ा जा रही है वो हलाल हो, उस हलाल में शुबा भी ना आए, शुबा वाली चीज भी ना खाएं। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद शरीफ पढ़ लिया कीजिए, कि बड़ी प्यारी हदीस से अभी जहन में आई थी कि जिन चीज़ों में शुबा है और जिन चीज़ों में शुबा नहीं है, तो जिन चीज़ों में शुबा है उन्हें छोड़ दो। आपको शुबा हुआ हलाल है या हराम, जैसे हमारे आज के ज़माने में जो चीज़ भी हमारे सामने आ रही है खाने पीने की बंद कर मुख्तलिफ ममालिक से, तो एक एक बात तो पक्की हो गई कि वैसे ही शुबा हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर उसमें पोर्क की फैट का मिला देना और पता नहीं क्या क्या मिलाना, ऐसा सुनने में आता है बार बार, तो हर चीज़ को शक से देखना पड़ता है। अब तो ये भी हो गया कि अगर जानवर कट के हमारे सामने आ रहा है और फ्रोजन मटन है, तो ये भी सवाल है कि वो खुद बकरे का है या नौज़ बिल्लाह किसी और चीज़ का है। तो इतने शुबहात में हम रहते हैं। हाँ, तो हदीस में क्या कहा गया, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, जिस चीज़ में तुमको शुबा है उसको छोड़ दो और जिस चीज़ में तुमको शुबा नहीं है उसको इख्तियार करो।
तो हज़रत इस्माइल इमाम बुखारी इमाम मोहम्मद अल बुखारी के वालिद हज़रत इस्माइल के हालात में लिखा हुआ है कि वो बड़ी ही एहतियात बड़ी बारीकी से काम लेते थे किसी भी चीज़ को खाने खरीदने से और अपने अपने घर में लाने से बहुत पहले वो ये देखते थे ये हलाल है। और इसके साथ वो एक चीज़ और भी थी, सिर्फ इतना नहीं है कि सुबह मार्केट से जाके हलाल चीज़ आप खरीद लाए, पहला सवाल तो ये होता है कि आपकी जेब के पैसे हलाल हैं या क्या हैं, उसमें शुबा तो नहीं है, वो तो कहीं गलत जगह से नहीं आए, तो इन सब चीज़ों के वो आदी थे। बचपन ही में इमाम बुखारी के वालिद का इंतकाल हो गया, रहमतुल्लाह रहमतन वासिया, बचपन में हो गया। उनकी वालदा ने उनकी परवरिश की और एक दफ़े वो अपनी वालदा के साथ हज पर भी गए हैं। इमाम बुखारी कहते हैं मेरी उम्र 11 साल थी, कितने साल, 11 साल। एक उस वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था इमाम दाखिली, बस पूरा नाम किताबों में मुझे अभी नहीं मिला, लेकिन जो नस्बती इमाम दाखिली, ये बड़े पाए के हदीस मुहद्दिस थे और उलमा और लोग बैठते इनसे हदीसें सुनते बयान करते। तो एक जब इमाम बुखारी उनके दर्स में बैठे, 11 साल की उम्र थी, तो वो दर्स में इमाम दाखिली कहने लगे कि हदीस से पहले जो उसका नरेशन है बयान करने वालों के नाम है। तो इमाम दाखिली ने कहना शुरू किया कि हज़रत सुफियान ने अबू ज़ुबैर से सुना, उन्होंने इब्राहिम से सुना। जैसे ही उन्होंने इतना कहा तो इमाम बुखारी ने फौरन कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ है, अबू ज़ुबैर ने हज़रत इब्राहिम से नहीं सुना है। 11 साल का बच्चा वक्त के बहुत ज़बरदस्त बड़े आलिम से कह रहा है कि जो आप सनद बयान कर रहे हैं, अब यहाँ पर मैं वो इस्तेलाही लफ्ज़ बोलूँगा सनद यानी बयान करने वालों के नाम, उसमें आप कह रहे हैं कि अबू ज़ुबैर ने इब्राहिम से सुना, ऐसा नहीं हुआ है, वो तो दंग रह गए और उन्होंने जो है डांट दिया, बच्चे क्या बोल रहे हो ये, तुम्हें मालूम भी है? तो मैंने कहा अगर ये हदीसें आपके पास किसी किताब में लिखी भी है ना तो आप जो है उसमें जाके देख लीजिए। उन्होंने ये कहा, वो बड़े से हैरत से उठे, जाकर जहाँ हदीस लिखी हुई थी उनके उसमें तलाश किया, तो उन्होंने देखा बच्चा तो सही कह रहा है, 11 साल का बच्चा सही कह रहा है। इसे अंदाजा लगाइए कि वो पैदा होने से लेके 11 साल की उम्र तक के कितने खिलौनों से खेलते थे, उनका रहना सहना खाना पीना क्या था, उनकी हदीस से दिलचस्पी कैसी थी और अल्लाह ने उनको कैसे स्पेशल बनाया था। तो उसके बाद उन्होंने आकर कहा कि अच्छा ये बताओ ये गलत है तो सही क्या है, ये गलत है तो सही क्या है। आप यकीन माने हदीस की दुनिया में सबसे पहले कोई बहुत ही माहिर हो तो वो ये जवाब दे सकता है कि ये रिवायत इसकी सनद गलत है या इसकी सनद कमज़ोर है। ये अपनी जगह एक ऐसा इल्म है कि इसके बाद अगर उसी से पूछा जाए कि सही क्या है तो उसका स्पेशलाइजेशन इसमें है कि गलत क्या है बताए, उसका स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं है कि सही क्या है बताए। और अगर दोनों में ये बातें जमा हो जाए ओहो वो तो बहुत ज़बरदस्त हो गए, ज़बरदस्त। जैसे कि हम कहते हैं कि एक नाक का स्पेशलिस्ट है, उसको जाके दांत दिखाइए वो आपको सिर्फ एक जुमला बोलेगा, भाई मैं आँख का हूँ, आप दांतों के डॉक्टर के पास जाइए। तो इमाम बुखारी ने 11 साल की उम्र में एक हदीस पर कलाम किया और ये कहा कि ये सनद जो बता रहे हैं सही नहीं है। और उतने बड़े आलिम ने आकर उनसे पूछा कि अच्छा भी बताओ सही क्या है, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो ज़ुबैर आप कह रहे हैं ना वो है इब्ने अदी, आपको ऐसा बोलना चाहिए ज़ुबैर इब्ने अदी, क्योंकि ज़ुबैर तो बहुत सारे लोगों के नाम है। अब उनमें वो ज़ुबैर जो इब्ने अदी हैं उन्होंने हज़रत इब्राहिम से सुना है, तो उन्होंने कहा तुमने सच कहा, उन्होंने कहा तुमने सच कहा। इमाम बुखारी की अजमत इस वाक़े से शुरू होती है जो मंजर आम पर आए कि अरे ये बच्चा 11 साल का, उसने जो बड़े इमाम को टोक दिया, उसने जो बात बोली वो सही निकली। जब उनकी उम्र हज़रत इमाम मोहम्मद अल बुखारी की उम्र 16 साल हुई तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इबन मुबारक, हज़रत अब्दुल्ला इबन मुबारक जो है ताबईन में बड़ा उनका नाम है, और हज़रत वकी इनका भी बहुत बड़ा नाम है, और गालिबा ये वकी वही हैं जो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, या हो सकता है कोई और हों। तो उन्होंने जो हदीसों को जमा की थी जिन किताबों में,
16 साल की उम्र में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन हदीसों को, उन किताबों को याद कर दिया, उन किताबों को। फिर जब वो 18 साल के हुए तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा और ताबईन के हालात भी लिखे, अलग अलग किताबें हैं ये। फिर मदीने मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथहर के पास, मदीने मुनव्वरा में 18 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथहर के पास चांद की रोशनी में, चांद की रोशनी में क्यों कहा जा रहा, लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, मोमबत्तियां होते थे, वो भी नसीब हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन चांद की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथहर के पास बैठकर वहां पर मदीना मुनव्वरा की तारीख लिखी। ये बातें हो रही हैं उस नौजवान की जिसकी उम्र अभी 18 साल है। और उलमा ने हिसाब लगाया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने छोटी बड़ी 25 किताबें लिखी हैं, 25, जिनमें से एक सही बुखारी है। उन किताबों के बाद में इंशाल्लाह भी नाम बताऊंगा। इमाम बुखारी कहते हैं कि मैं हदीसों की तलाश में कहां से कहां गया, मक्का गया, मदीना गया, बसरा गया और मिस्र में गया, वहां कहीं पर साल गुजराया, कहीं पर 2 साल, कहीं पर 5 साल, और बार बार जो है तो जो भी आपकी पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जमा होती फिर वो मक्का मदीना तशरीफ ले जाते और फिर वहां के उलमा और आइम्मा से मिलते और उनके साथ उन हदीसों की छान पटक करते। 16 साल की रात दिन की मेहनत के बाद सही बुखारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल किए। तो इमाम बुखारी की जो किताब है हदीसों की, जो आज आपको बहुत आसानी से प्रिंट की भी शानदार मिल जाती है, उसके तर्जुमे मिल जाते हैं, वो मुहम्मद अल बुखारी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, इनकी 16 साल की मेहनतों का नतीजा है। और वो 16 साल एसी में बैठकर और ट्रेनों में, बसों में और प्लेन में सफ़र करके नहीं, और उस ज़माने में घोड़े और ऊँट उस पर भी बैठकर नहीं, क्योंकि वो इतने मालदार नहीं थे कि एक घोड़ा खरीदें और एक ऊँट खरीदें, पैदल कितनी मीलों का सफ़र करना, उसमें बोलिए सर्दी और गर्मी और बारिश, और फिर सफ़र कर रहे हैं तो ये नहीं है कि अपने साथ जो है वो ट्रेवलिंग चेक रख लिया, तो जहाँ ज़रूरत पड़ी एक चेक बैंक में डालो पैसे निकाले, वो कैसे रहे होंगे, उन्होंने क्या खाया होगा और क्या किसी ने कदर की होगी, ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, मगर अल्लाह ही जाने जो क़यामत गुजरी होगी वो गुजरी होगी। तो हज़रत आशिद बिन इस्माइल, ये दूसरे साहब हैं, ये इमाम बुखारी के भाई नहीं हैं, लेकिन ये भी वहीं के बुखारा के थे, और उनका नाम इत्तेफाक से ऐसा था, हज़रत आशिद बिन इस्माइल। वो कहते हैं कि बसरे के मशायख के पास हम लोग जाते, बसरे उस वक्त कूफा, बसरा ये जो शहर थे और बगदाद, ये इल्म के ऐसे मरकज बने हुए थे कि यानी मक्का और मदीना के सारे तकद्दस के बावजूद, और वहाँ भी इल्म था, नौजबिल्लाह ऐसा नहीं, इल्म से अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और मदीना कभी खाली नहीं रहा, बल्कि हर हाल में मक्का मदीना जो है वो सेंटर था, लेकिन उस सेंटर की जो ब्रांचेस इंतहा से ज़्यादा मशहूर हुई हैं वो बसरा, कूफा और बगदाद, तीन नाम सरे फहरिस्त थे, जहाँ पर ऐसा समझिए कि लोग कम और उलमा हर लाइन के ज़्यादा रहते थे, हर लाइन के, फ़िक़ा के, हदीस के, तफसीर के, अदब के, अरबी शायरी के, आप जिस इस्लामी फ़न का नाम लें वो या तो बसरा का होगा या कूफा का होगा या मुल्क शाम का होगा या फिर जो है वो बगदाद का होगा। बहरहाल तो हज़रत हाशिद बिन इस्माइल कहते हैं कि जब भी ऐसा होता वहाँ इमाम बुखारी भी होते थे। आप सोचिए एक क्लास है जिसमें कुछ तलबा सब के सब नेक माशाल्लाह मुत्तकी परहेजगार जमा हैं, और जिन जिस इमाम जिस वक्त के आलिम के पास बैठकर हदीसें सुन रहे हैं तो वहाँ पर इमाम बुखारी भी होते, बाकी सब तो क्या करते थे, जो सुनते थे वो लिखते थे, इमाम बुखारी खाली बैठ कर सुनते थे। तो यानी और उस वक्त उनकी उम्र भी कितनी थी, वो वही 16-18 साल के दरमियान होगी, तो 16 दिन इसी तरह गुजर गए, 16 दिन सब लोग सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, इमाम बुखारी से सुन रहे हैं। तो उस पर फिर हमने उनको मलामत की कि भाई तुम इतनी मेहनत से आए हो, इतना मुकद्दस इल्म हासिल कर रहे हो, लिखते क्यों नहीं, भूल जाओगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो इमाम बुखारी ने ये बताओ तुम लोगों ने अब तक कितनी हदीसें लिखी हैं। इमाम बुखारी ने अपने क्लासमेट्स जितने थे
उनसे पूछा, ये बता तुम लोगों ने अब तक 16 दिन में कितनी हदीसें लिखी हैं? तो जब उन्होंने काउंटिंग की तो वो थी सिर्फ 15,000, 15,000 हदीसें उन्होंने लिखी। इमाम बुखारी ने क्या किया, उसी वक्त वो 15,000 हदीसें जबानी सुना दिए, सारी हदीसें बाय हार्ट। आप समझ रहे हैं, इमाम बुखारी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ही स्पेशल बनाया था ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को महफूज कर सकें, सही और गलत में तमीज़ करा दें और उम्मत को बना बनाया खाना खिला दें। उसके बाद भी उम्मत नाकदर निकली, ऐसी नाकदर निकली कि आगे के हालात अगर आप सुनेंगे ना तो यकीन मानिए मैं तो, यानी ऐसा होता है ना कि अब जो याद था वो भूल हो जाती, लेकिन जब मैंने दोबारा स्टडी की तो मैं पूरा दिन मैं बहुत तकलीफ से मैंने गुजारा है कि क्या ऐसे भी हालात हमारे उलमा के साथ, आज नहीं उस जमाने में। सर अगर आप 194 इट्स नॉट टू फार फ्रॉम द पीरियड ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल 10 हिजरी में हुआ, तो 10 हिजरी से 194 बहुत करीब है। उसमें सहाबा का दौर खुल गया है 70-80 साल तक, सहाबा तकरीबन 80 साल तक हिजरत के बाद दुनिया में मौजूद थे और एक के बाद एक फिर अल्लाह के यहाँ चले गए। तो अगर 70-80 साल से लेके 194 देखा जाए तो करीब का इलाका है, करीब का वक्त है, जमाना है, मगर उसके बावजूद जब दुनियादारी आती है ना तो इंसान जो है दरिंदा बन जाता है। और इमाम बुखारी के साथ उनके आखिरी दिनों में बहुत बुरा सलूक, बहुत बुरा सलूक बताऊंगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने जब ये 15,000 हदीसें सुना दी, उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये होता था कि जो लोग भी हदीसें लिखते थे अगर उनको कहीं भी डाउट होता, इमाम बुखारी के पास आते, अरे भाई वो हदीस उस बारे में ज़रा डाउट हो रहा है, वो कैसी है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसकी इस्लाह फरमाते थे। कहाँ से इस्लाह फरमाते, वो जो उनके दिमाग की चिप है ना उससे इस्लाह फरमाते थे। मैं बार बार गौर करता हूँ कि इस्लाम ने जितनी बातें कही हैं, आज के दौर के कंप्यूटर और लैपटॉप और चिप्स और कंप्यूटर आईटी टेक्नोलॉजी की सारी मालूमात इस्लाम की हर बात को अच्छी तरह साबित करती, जिस बात को सुनकर यह कहना मुश्किल था कि यार ऐसे कैसे हुआ होगा। अब कोई शख्स मामूली सी चिप को हाथ में लेकर नहीं बोल सकता, इसी सी चीज में हजारों सफात कैसे आ गए। अगर कोई ऐसा बोल दे समझ जाएंगे यार ये जो है ये आउट ऑफ डेट है, ये आदमी जो है अपडेट नहीं है, इसको नहीं मालूम यार इसी सी चिप में कैसे आते हैं। तो इमाम बुखारी को अल्लाह ने इस तरह की कोई खास चिप पैदा होने के साथ ही दे दी थी कि इस बच्चे को आगे बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का डिफेंस करना है। इमाम बुखारी ने 1,080 मुहद्दिसीन से हदीसें सुनी है। कितने, 1,080 मुहद्दिसीन से हदीसें सुनी भी हैं और लिखा भी है। और फरमाते थे खुद इमाम बुखारी फरमाते थे ये सारे के सारे हजरात साहेब ईमान व अमल थे। ये नहीं है कि किसी भी एक्स वाई जेड ने बोला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक हदीस जानता हूं उसको सुना लिख लिया, नौज बिल्ला, नहीं, साहेब ईमान व अमल थे। और जिन इमामों से, जिन उलमा से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसें सुनी हैं उनकी 5 कैटेगरीज है, खुद उन असातिज़ा की, उन उलमा की जिन्होंने इमाम बुखारी से ने उनसे हदीसें सुनी हैं उनकी 5 कैटेगरीज है। सबसे पहले इमाम बुखारी ने ताबईन से हदीसें सुनी। इमाम बुखारी जो है ताबई नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि ताबई कहते हैं उस बाइज्जत मुसलमान को जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देखा था, किसी सहाबी से मुलाकात की थी। इस लिहाज से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है कि उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह को देखा है और बड़े होकर उनकी उम्र का याद नहीं है, उन्होंने एक या दो सहाबी से रिवायत भी की है हदीसों, उसका ये किताबों में सबूत मिलता है, जो कि ये बातें ज़्यादा नहीं फैल सकी हैं हमारे मुस्लिम माशरे में बदकिस्मती से। बहरहाल इमाम बाईचान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे 70 हिजरी में और बाद में कहा 80 हिजरी में, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ 150 हिजरी में।
तो इमाम अबू हनीफा पैदा हुए 70 या 80 में हिजरत के बाद, ये ज़हन में रखिए। और इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ है 150 में, और उनके इंतकाल के तकरीबन 46 ईयर के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सन 194 में पैदा हुए। तो इस लिहाज से बहरहाल उनके जो असातिज़ा हैं इमाम बुखारी के, हम उनकी कैटेगरी सुन रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले ताबईन से सुना है, जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल अंसारी। अगर हम ये नाम सुने तो आप सबसे पहले खुद सोचें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी कौन थे, क्या वो सहाबी थे? ये सवाल ही आपके जहन में ना आए कि जितने नाम हम अब सुनने वाले हैं उनमें से कोई सहाबी है। वो तो सहाबा कब के रुख्सत हुए, ताबईन का दौर है, उन मुबारक हस्तियों का दौर है जिन्होंने अपनी आंखों से सहाबा को देखा था और उनसे जो है तो हदीसें भी सुनी थी और बयान किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंसारी से, और दूसरे बहुत सारे नाम मिलते हैं, बेशुमार नाम मिलते हैं, उनसे हदीसें ली हैं। मैं आपको सिर्फ यानी हिंट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक एक चीज़ के नाम लेना किया जाए तो बोलिए 1080 अगर इमामों के नाम ही लिए जाए तो हमारा टाइम यूँ ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरी कैटेगरी उनकी आती है कि जो उनके ज़माने में थे, यानी ताबईन के ज़माने में थे, मगर उन लोगों ने सिकात ताबईन से नहीं सुना, यानी दूसरे मुहद्दिसीन हैं उन्होंने भी हदीसें बयान की मगर ताबईन में जो सबसे ज़्यादा भरोसे के समझे जाते थे उन लोगों ने उन ताबईन से, भरोसे के ताबईन से नहीं सुना, और दूसरे कम दर्जे के ताबईन से सुना। लेकिन वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जिन जिन कम दर्जे के ताबईन से उन्होंने हदीसें सुनी हैं वो सही हैं, इमाम बुखारी ने उनसे भी सुना है। जैसे एक नाम मिलता है आदम बिन अबी इयास, ये ताबईन में है मगर सिकात ताबईन में नहीं है। एक और नाम मिलता है अबू महर या अबी महर, तो बहरहाल उनसे भी इमाम बुखारी ने हदीसें सुनी हैं। इनका तीसरा दर्जा इमाम मोहम्मद अल बुखारी के असातिज़ा का, उनके मुहद्दिसीन का, जिनसे उन्होंने हदीसें सुनी हैं, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मशायख हैं जिन्होंने ताबईन से नहीं सुना। इमाम बुखारी के वो मशायख जिन्होंने ताबईन से नहीं सुना मगर तबा ताबईन से सुना, यानी उन लोगों से जिन्होंने ताबईन से सुना और उनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना है। जैसे नाम मिलते हैं हजरत सुलेमान बिन हर्ब, उतैबा बिन साद, नाइम बिन हम्माद, और अली बिन अलमदीनी, याहिया बिन अलमाइन, और अबू हातिम अल राजी, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहीम। ये जितने आपने नाम सुने हैं अल्लाह की कसम ये अपने वक्त के ऐसे मुत्तकी, ऐसे परहेज़गार और ऐसे यानी इस्लामी लिहाज से इतने ऊंचे मकाम पर थे, अल्लाह से इतने करीब थे, हम सोच भी नहीं सकते। ये जितने आपने नाम सुने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मशायर जिनसे इमाम बुखारी ने हदीसें सुनी और फिर उम्मत को सुनाई, ये तीसरा ग्रुप उनका हो जाता है। और इसमें जो है इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम भी आता है, इमाम अहमद बिन हम्बल जो चौथे इमाम बहुत मशहूर हुए, और एक और बड़े आलिम दीन इसहाक बिन राहवे जो कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जमा किया और उस किताब, उनकी सीरत का नाम ही पड़ा है मगाजी। मगाजी कहते हैं, मगाजी जमा है गजवे की या मगजा की, और उसमें उससे मुराद होते हैं वो वाक़यात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम गजवात से मुतालिक हैं। तो उनसे भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना है। और अबू बकर हैं, उस्मान बिन अबी शैबा हैं, ये सब बड़े बड़े नाम हैं हदीस की दुनिया में। जो लोग हदीस से वाकिफ़ हैं वे जब ये नाम सुनते हैं तो अकीदत से उनके नामों के सामने सर झुकाते हैं। चौथा ग्रुप इमाम बुखारी का की इसका है उनके हम असर रुफका, उनके हम उम्र, उनके साथ में पढ़ने वाले, उनके उनकी उम्र के ही दूसरे हजरात जो उन्हीं की तरह हदीसों को ढूंढते थे, जमा करते थे, छान पड़क करते थे, उनसे भी इमाम अबू हनीफा ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना है। जैसे मोहम्मद बिन याहिया अज़ुहली, मोहम्मद बिन याहिया अज़ुहली, और अबू हातिम अर्राज़ी वगैरह। और पांचवा ग्रुप उनका वो है कि वो लोग जो उनके हम असर थे और सनद में भी शरीक थे, यानी एक हदीस अगर बयान की जाए
तो उसमें इमाम बुखारी का नाम भी आएगा और उनके जो हम उम्र थे, उनके दोस्त थे, उनके रफीकार थे, उनकी तरह हदीसों में जमा किया था, वो दोनों का नाम आ जाएगा। वरना होता क्या है, जैसे दो अफराद हैं, एक है हबीब भाई, एक है आदम भाई। आदम भाई ने एक बात बताई, या हबीब भाई अगर किसी हदीस को बताएं तो उसमें आदम भाई का नाम ना मिले, या अनवर भाई बताएं तो उसमें जो है हमेशा किसी का नाम ना मिले, यानी वो अपनी जगह सही हदीस है मगर जैसे उन्होंने सुनी, उन्होंने अपने जिन लोगों से सुना था उनको बयान किया। तो इस लिहाज से इमाम बुखारी ने उनके जो पांचों ग्रुप है जिनसे उन्होंने हदीसों को सुना है, उसमें उनकी उम्र के जैसे लोग हैं, उन्हीं की तरह हदीसों के प्यासे मुतलाशी, और उन्होंने भी सुना तो इमाम बुखारी ने उनसे भी सुना है। ये चीज बताती कि एक शख्स हदीसों का ऐसा दीवाना है कि उसके अंदर तकब्बुर, किबरियाई, मैं उससे क्यों सुनूं, मेरे बराबर का है, मैं उससे जाके सुनूं, मैं बताऊं कि मैं उसके पास गया था, ये किब्र, तकब्बुर, घुमंड इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को छू कर भी नहीं गुजरा। और जहां उनको मालूम हुआ हदीस मिल सकती है, पहला काम है हदीस को सुनना, और उससे पहले इस बात का यकीन कर लेना कि जिस आदमी से मैं हदीस को सुनने जा रहा हूँ वो इस लायक है, दीनी एतबार से मैंने उसकी सारी शर्तें बार बार बयान की हैं, तो वो इस लायक है, उसके बाद जाकर सुनना। फिर जब वो सुना रहा है तो उस वक्त उसकी कंडीशन क्या है, वो कितना मुत्तकी, कितना परहेजगार है, वहां जाकर पहले सुनने से पहले मालूम करना भाई आदमी कैसा है, क्या हो रहा है यहाँ इस शहर में, इस देहात में इसका क्या मकाम है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर जब इन सब चीजों को मालूम कर लिया जाए तब जाके फिर हदीस सुनना, और उस सुनने में भी ध्यान रखना कि वो जिन लोगों का नाम ले रहा है, मैंने फलां से सुना, उससे सुना, उससे सुना, उससे सुना, उसमें कहीं उससे गड़बड़ हो रही है, वो भूल गया है, उसे याद नहीं, उसने नाम बदल दिया। और फिर ये देखना कि जो अल्फाज वो बता रहे हैं कि ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं तो वो अल्फाज वैसे ही के वैसे हैं या उसमें भी कुछ भी, इन सब चीजों को मिलाने के बाद में ना एक हदीस बनती है। तो ये बात हुई इमाम बुखारी ने अपने जैसे हमअसरों से सुना जो उनके साथ हदीसों की सनद में भी शरीक हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन हम्माद अल आमली, अब्दुल्ला बिन अबी अल आस ख्वारिज्मी और हुसैन बिन मोहम्मद अल बुकाई, ये सब नाम मिलते हैं। इमाम बुखारी खुद फरमाया करते थे, इमाम बुखारी खुद फरमाया करते थे, ला यकुन अल मुहद्दिस कामिलन, कोई शख्स मुहद्दिस, मुहद्दिस एक नाम है, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर, जब आप कहेंगे डॉक्टर तो आपके तस्वर में इंजीनियरिंग तो नहीं आएगी ना, डॉक्टरी आएगी, मेडिकल लाइन आएगी। तो ऐसे ही आप जब ये कहोगे मुहद्दिस तो इसका मतलब ये है कि वो हदीसों में नंबर वन है, यानी उनकी जो है वो माफी चाहूंगा। तो ये उनकी बात थी इमाम बुखारी की कि उन्होंने ऐसे मुख्तलिफ उलमा से सुना है, तो फरमाते थे ला यकून अल मुहद्दिस कामिलन हत्ता यक्तुब अम्मन हुआ फौकहु, सुनिए अल्फाज, कोई मुहद्दिस उस वक्त तक कामिल मुहद्दिस नहीं हो सकता हत्ता यक्तुब अम्मन हुआ फौकहु, जब तक वो उन लोगों से हदीसों को ना ले जो उससे भी ऊपर के, इल्म तक्वा वगैरह वगैरह में उनसे ले, वामन हुआ मिसलुहु उनसे भी ले जो उसके जैसे हैं, वामन हुआ दूनहु और जो उन अब खुद उनके दर्जे से नीचे हैं, अपने दर्जे से नीचे हैं उनसे भी ले, यानी तीनों जगह से जब तक कोई हदीसों को जमा न करे वो इस लायक नहीं है कि ये कहा जाए कि ये मुहद्दिस है। अमन हुआ फौक, जो मुझसे दर्जे में बड़े हैं मैं उनसे हदीसें सुनूं, जो मेरे दर्जे के हैं मैं उनसे भी सुनूं, और जो मेरे दर्जे से नीचे के मैं उनसे भी सुनो। तो ये चीज उन्होंने बयान फरमाई। एक बड़े राइटर गुजरे हैं उनके दौर के बाद के, उनका नाम था इमाम गंजार। तो इमाम गंजार फरमाते हैं, उन्होंने तारीख लिखी है, उसमें लिखा है कि हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल, हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास जो है इमाम बुखारी तिजारत भी करते थे,
तो उनके पास कुछ सामान था तिजारत का जो बेचना चाह रहे थे, तो वो जो है वो लेकर मुल्क शाम आए और लोगों को पता चला कि भाई ये जो है तो सामान बेचना चाहते हैं। उनके पास जो है उस शाम को कुछ लोग आए, कुछ ताजिर, और जो भी बिजनेस लाइन की बात होती है कि भाई ये इतना है इतना इतना, उन्होंने सब बताया। उन्होंने वो सब देख कर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ऑफर किया कि हम आपकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर हम 5,000 दिरहम आपको ज्यादा देने के लिए तैयार है। ये उस जमाने में बहुत बड़ी डील थी। तो जो जो भी मसला, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि आप कल तशरीफ लाएं। दूसरे दिन क्या हुआ कि उस पहले ग्रुप के आने से पहले दूसरा एक दूसरा ग्रुप आ गया और उसने इमाम बुखारी से तफसील पूछी और फिर इमाम बुखारी को ऑफर दिया कि हम आपको ये सामान जो है इस पर 10,000 ज्यादा देने के लिए तैयार है, 10,000 ज्यादा देने के लिए तैयार है। इमाम बुखारी ने कहा कि नहीं, मैंने एक ग्रुप को ये कहा है कि तुम कल आओ, मैं अब मेरा फर्ज बनता कि मैं अपनी जबान न बदलूं, मैं उन्हीं को दूंगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो पहला ग्रुप आया और जिसको उन्होंने जो है वो 5,000 के नफे के साथ में दे दिया। ये चीज आप भी समझ सकते हैं, मामूली बात नहीं कि इसमें जो है वो इमाम बुखारी का जो तकवा है, किरदार है, एहतियात है, वो आपकी मिसाल आप है। और उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि उनके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक शेख थे जिनका नाम था सुलेमान बिन हर्ब। शेख सुलेमान बिन हर्ब तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत चाहते थे और जब भी इमाम बुखारी को देखते तो क्या फरमाते, हाजा यकुन अल उसीफ, तुम देख लेना कि इस आदमी की जो है तो बड़ी, इसकी बड़ी शोहरत होगी, इसका बड़ा नाम होगा। वो हमेशा ही कहते हजरत सुलेमान बिन हर्ब जब जब इमाम बुखारी को देखते बोलते हाजा यकुन अल उसीफ, इस आदमी की का बड़ा नाम होगा। इमाम बुखारी के एक और उस्ताद हैं, उनका नाम इस्माइल बिन अबी उवैस था। वो तालिबे इल्म के ज़माने से ही हदीसों को लिखते थे, तो जिन हदीसों को इमाम बुखारी लिखते वो उन्हीं को लिखते और ये फरमाते कि ये हदीसें मोहम्मद इस्माइल मुंतखब किए। समझे आप बात, इनके एक उस्ताद हैं इमाम बुखारी के, उनका नाम है इस्माइल बिन अबी उवैस। इमाम बुखारी उनकी मजलिसों में शरीक होते, उनसे हदीसें लेते और हदीसों को इमाम बुखारी लिखते थे। तो जिन हदीसों को शागिर्द लिखता था बाद में उस्ताद खास तौर से उन हदीसों को जब किसी को सुनाते तो कहते पता है ये कौन सी हदीसें हैं, ये ना वो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी हैं, उसे मुंतखब किए। यानी उस्ताद अपने शागिर्द की जमा की हुई हदीसों को ऑथेंटिक होने में ज्यादा अहमियत देता था। ये देखिए इस तरह की बातें मिलती हैं और इस तरह के बहुत सारे उलमा की मिलती है कि उनकी बात जिन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत तारीफ की। और ये थी इमाम बुखारी अपने बारे में फरमा करते थे कि मुझे 100,000 सही हदीसें याद हैं। सही हदीसें कितनी याद हैं, जो सही हैं यानी जिस पर इमाम बुखारी को इत्मीनान है कि इसमें कोई हेर फेर नहीं है, तो वो 100,000 है। और 200,000 गैर सही हदीसें याद हैं, 100,000 जो एकदम ऑथेंटिक है उनकी सारी रिसर्च के बाद, और 200,000 ऐसी हैं जो सही हदीसें नहीं हैं। और इसके बाद में बहुत सारी बातें हुई हैं, तो ये जो है मैं आपको मुख्तसर करके ये बताना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताबें लिखी हैं उसमें सही बुखारी के अलावा अदब मुफरद है, बिरुल वालिदैन है, अत तारीखुल कबीर है, तारीखुल औसत है, अत तारीखुल सगीर है, खल्क आफार इबाद, किताब दुआफा, अलजामिल कबीर, अलमुसनदिल कबीर, अतफसीरुल कबीर, ये सब उनकी मिलती हैं। तकरीबन 25 किताबें लिखी हैं। तो ऐसा हुआ कि उनका नाम हुआ, यहाँ से वहाँ तक लोग जो है तो बड़े वो हुए कि भाई माशाल्लाह जो है इस तरह से उनका इल्म फ़ज़्ल है, उन्होंने हदीसों को याद किया है। तो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि एक जगह ऐसा हुआ कि यानी बुखारा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो गालिबन बसरा गए थे या कूफा गए, बगदाद गए थे। इमाम बुखारी बगदाद गए तो वहाँ के जो मुहद्दिसीन थे
उन्होंने ये कहा कि चलो इमाम बुखारी की जहानत, उनकी मेमोरी का जायजा लेते हैं कितने मजबूत हैं, जो हदीस के फन पर इतने मशहूर हैं। तो 10 बड़े बड़े उलमा मुंतखब किए गए और हर एक को क्या किया गया, 10-10 हदीसें दी गई। हर हदीस उसके बयान करने वालों का नाम दूसरी हदीस में डाला और दूसरी का पहले में डाल दिया, तीसरी का चौथी में, चौथी का पांचवी में। हर एक के बाद 10 हदीसें ऐसी बनाई जानबूझकर कि हदीस के अल्फाज सही हैं मगर बयान करने वाले, जिसको हम कहते हैं सनद, सनद को मिला दिया। अब हर एक शख्स के बाद 10 हदीसें जिसकी सनदें सही नहीं है और ऐसे 10 अफराद, तो टोटल कितने हुए, 100 हदीसें हुई कि जिनकी सनद को एक दूसरे से बदल दिया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, बातचीत शुरू हुई, तो उन 10 उलमा ने कहा कि हजरत हमारे पास कुछ हदीसें हैं और हम चाहते हैं कि आपको सुनाएं और ये उसको वेरीफाई करें कि ये हमारे पास सही है या नहीं है। इमाम बुखारी ने कहा चलो शुरू करो। अब पहले उन बड़े आलिम ने शुरू किया, एक हदीस सुनाई और उसके बयान करने वालों के नाम यानी सनद कोई दूसरी हदीस के बोल दिए। इमाम बुखारी ने जैसे ही सुना फरमाया अम्मा हादा फला आरिफ, मैं इस चीज़ को नहीं जानता। अब उसने 10 हदीसें सुना दी और 10ों की जो सनद है सब उल्टी पुल्टी सुना रही हैं। इमाम बुखारी एक ही बात कह रहे हैं अम्मा हादा फला आरिफ, अम्मा हादा फला आरिफ, नहीं नहीं मैं ये नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये क्या है। तो जब वो बार बार बोलने लगे तो जो लोग वहाँ मजमे में सुन रहे थे वो सोचने लगे कि यार बहुत नाम सुनते थे इनका मगर इनको तो कितनी चीज़ें नहीं मालूम है। 10 उलमा ने 10-10 हदीसें उसकी सनद को तोड़कर दूसरी हदीसों को मिलाकर पेश किया और इमाम बुखारी ने सबको एक ही बात कही, इस सनद से मैं नहीं जानता। जब उन 10 की 100 हदीसें ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, इमाम बुखारी ने कहना शुरू किया, सबसे पहले जिसने सुनाई थी उनसे कहा आपने ये हदीस पढ़ी है और इसके बयान करने वालों का नाम ये लिया है, जो उन्होंने गलत सुनाया उसको पहले सुनाया, कहा ये हदीस जो है इसकी सनद ये नहीं है बल्कि ये है और ये है करके जो सही नाम थे वो जिक्र फरमाए। तो पहले उनकी 10 हदीसों को क्लियर किया और 10 हदीसों में हर हदीस की पहले जो गलत उन्होंने उसी वक्त बताई है उसको सुनाते एज इट इज, अभी जो सही है उसको सुनाते, फिर दूसरा आदमी और फिर तीसरा और चौथा और पांचवा, ऐसे 10 उलमा के बयान की भी गलत हदीसों को सुनाकर उसको करेक्ट करके उसके जो नए सही नाम थे वो आपने बयान फरमाए। ये एक अकेला वाकया मेरे भाइयों इस बात के लिए काफ़ी है कि इमाम बुखारी को उम्मत समझे ये कौन थे और कैसे अल्लाह ने उनको खुसूसी तौर पर कबूल किया। इतना अजीम शान इमाम जो है वो बुखारा वापिस आया अपने शहर, अब क्या हुआ वो तशरीफ लाए, पहले तो लोगों ने जबरदस्त इस्तकबाल किया, पूरा शहर उमड़ आया उनके लिए, बुखारा शहर से बहुत आगे तक बड़े बड़े गेट बनाए गए, सजाए गए और जब वो तशरीफ लाए उनके ऊपर दिरहम और दीनार को फूलों की तरह निछावर किया गया। अब वहां वो कुछ दिन रहे, अब क्या हुआ, उस वक्त बुखारा के जो अमीर थे, अमीर इन द सेंस गवर्नर, आप उसको जो भी कह लें, आप छोटा शहर है तो आप कलेक्टर बोल दें, गवर्नर बोल दें, चीफ बोल दें, जो भी कह लें हमारी जबान में, तो उनका नाम था खालिद बिन अहमद अज़ुहली, खालिद बिन अहमद अज़ुहली। इनको शौक हुआ, उन्होंने अपना ख़ास आदमी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा, उसने कहा कि अमीर जो है आपके गवर्नर वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि आपकी सही बुखारी और जो तारीख पर आपने किताबें लिखी हैं वो लेके आप मेरे महल आया करें और मुझे सुनाएं। और बाद रिवायत में आता कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को मेरे घर आके मेरे महल में आकर पढ़ाएं। इमाम बुखारी ने उनसे कहा, उनसे जाकर बोल दो मैं इल्म और अहले इल्म की जो है इंसल्ट नहीं करना चाहता, अगर उनको शौक है मेरी मस्जिद में आए, मेरे घर तशरीफ लाएं, मैं सुनाऊंगा। इस पर उस अमीर को, उस गवर्नर को बड़ा गुस्सा आया। अब यह हुआ कि भाई ये इसने ऐसा क्यों कह दिया है, तो उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा किया कि एक उसी जगह के जो एक बड़े आलिम थे फुरैस बिन अबी अलवरका, आलिम थे, शैतान ने बहकाया, फिर जो गवर्नर है वो कह रहा है, उनको मिलाया, उनको उकसा के इमाम बुखारी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ।
वो प्रोपेगेंडा एक बड़ी टेक्निकल बात है, और वो ऐसी बात है कि हम आमतौर पर अगर उसको सुने, उसकी तफसील बताए ना, तो हो सकता है कि हमारे दिल में शैतान दूसरे वसवसे पैदा करें। इसलिए मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक खालिस इल्मी बहस है। तो वो एक गलत बात इमाम बुखारी की तरफ मनसूख कर दी, और उसके बाद में वो चर्चा लोगों में होने लगा। तो इमाम बुखारी ने कहा कि भाई इस वाली से बोल दो कि भाई मुझे यहाँ रहने से मना कर दे, मैं चला जाता हूँ। उसने इमाम बुखारी को बुखारा छोड़ने का हुक्म दिया। वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस, सारी उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में हदीसों को छान फटक करके, वो काम जो उम्मत में किसी ने नहीं किया, वो करने के बाद अपने ही शहर से उसको जिला वतन कर दिया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से निकले और समरकंद उससे करीब था, उसके गांव में उनके कुछ रिश्तेदार रहते थे, वहाँ जाकर रहने लगे। तो वहाँ रहने लगे और कुछ दिन वहाँ पर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उनके साथ उस जमाने में जो लोग भी वहाँ साथ में रहते थे, उनमें से एक का नाम था अब्दुल कुद्दूस बिन अब्दुल मजीद अब्दुल जब्बार, अब्दुल कुद्दूस बिन अब्दुल जब्बार। वो कहते हैं मैंने एक दिन जो है उनको सुना कि इमाम बुखारी दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह तेरी ज़मीन मुझ पर अब तंग हो गई है, अब तू मुझे उठा ले। कहने के उसके बाद मुश्किल से वो 20 दिन जिंदा रहे, और उसके बाद फिर वो एक माह भी नहीं गुजरा था, वो वफात पा गए। तो वफात से पहले भी क्या हुआ कि वफात से कुछ दिन पहले समरकंद के लोगों ने खासतौर से बुलाया, ऐसा समझिए कि बड़े शहर छोटे गांव में रह रहे हैं, तो बहुत बड़े शहर में लाहौर के लोगों ने, जैसे बम्बई के लोगों ने, या जो है चेन्नई, ऐसे बड़े शहर का की तरह समरकंद एक बहुत मशहूर शहर था, वहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं इमाम साहब आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। तो इमाम साहब ने अपने साथियों से कहा कि भाई तैयारी करो, सॉक्स पहने, मोजे पहने, और अपना मामा वगैरह सब ठीक ठाक करके निकलने लगे। 20 कदम भी नहीं चले थे, उन्हें बड़ी कमजोरी महसूस हुई। कहा भाई नहीं नहीं मैं नहीं चल सकता, मैं कमजोर हो गया हूँ, मुझे वापस कर दो। फिर वापस लेकर आए, और उसके बाद में फिर हुआ कि वफात पा गए। तो वफात पा गए, और उसके बाद उनके जिस्म से बहुत पसीना निकला। वफात से पहले इमाम बुखारी ने तलकीन की थी, वसीयत की थी कि तीन कपड़ों में मुझे कफन पहनाया जाए। जब उनकी तदफीन हो गई, दफन हो गए, उसके फौरन बाद उनकी कब्र से ज़बरदस्त मुश्क की खुशबुएं आने लगी, बड़ी खुशबुएं आने लगी। और वो खुशबू इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि लोग वहाँ से मिट्टी उठा उठा के लेके जाने लगे। ऐसा डर लगा कि पूरी कब्र की मिट्टी खत्म हो जाएगी। तो फिर जो लोग भी थे उन्होंने उस कब्र की हिफाजत के लिए उसके ऊपर जो है लकड़ी का एक बहुत बड़ा स्टैचू जो है तो पूरा ढांचा लगा दिया ताकि उसकी हिफाजत हो। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनका नाम है अब्दुल वाहिद बिन आदम अत्तवावेसी। ये कहते हैं कि वो इमाम बुखारी की जगह से दूर थे। एक दिन उन्होंने ऐसा ना ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ जो है एक जगह खड़े हैं और किसी का जैसे इंतजार कर रहे हैं। ये उन्होंने ख्वाब में देखा, किसी ने देखा, अब्दुल वाहिद बिन आदम ने। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और पूछा कि अल्लाह के रसूल आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया भाई मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी आने वाले हैं। उसके बाद उनकी आँख खुल गई। कुछ दिनों के बाद, इस ख्वाब को देखने के कुछ दिनों के बाद, उनको पता चला कि यार इमाम बुखारी का तो इंतकाल हो गया है। तो जब उन्होंने मालूम किया कि किस दिन इंतकाल हुआ, किस वक्त को इंतकाल हुआ, वो वही दिन था जिस दिन उन्होंने ये ख्वाब देखा था। तो आपका इंतकाल कब हुआ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का? शनिचर को, सैटरडे के दिन, ईद उल फित्र की रात, ईद उल फित्र की रात सन 256 में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। आप पैदा हुए थे 194 में हिजरी, और आपका इंतकाल हुआ 256 हिजरी में, आपका इंतकाल हुआ, उसमें सिर्फ 10 दिन बाकी थे। टोटल हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी में कितनी लिखी, कितनी हदीसें बुखारी शरीफ में टोटल? तो ऐसा है कि इसमें उलमा का उसकी काउंटिंग टेक्निकली जो होती है तो उसमें इख्तलाफ है। बाद उलमा ने कहा है 7275 हदीसें, जो बार बार वो हदीसें जो एक ही हदीस को 5 अफराद ने बयान किया है, तो हदीस का अल्फा सेम है लेकिन बयान करने वाले अलग अलग हैं, तो उनको भी लिखना पड़ता है। तो उन सारे
तकरार के साथ में जो है वो उन्होंने वो जमा किया है टोटल 7275। वो हदीसें जो मतलब हदीस एक ही है लेकिन बयान करने वाले 2-4-5-8 अफराद हैं अलग अलग सनदों के साथ में, अगर उनको आप डिसकनेक्ट कर दें और सिर्फ उन हदीसों को लें जिसको वन टाइम एक किसी रावी के साथ में बयान करने वाले लिखी हो, तो वो बुखारी शरीफ में 4000 हदीसें होती। ये बाद उलमा का कहना है। बाद उलमा का कहना है कि असल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी शरीफ में 9,082 हदीसें बयान की असनाद और रिवायात के फर्क के साथ में। और इस तरीके से ये सारी बात हुई है। मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम शख्सियत पर मैं एक मामूली जिसको हदीस की यानी छांव भी नहीं गुजरी हदीस से, वो मैं तो हम तो वो लोग हैं हम उलमा आज के दौर के कि आपके सामने तो हम अल्लामा बन के बैठेंगे, मगर फारसी में कहते हैं मन आनम के मन दाना, मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या हकीकत है, मुझे मालूम है, इसमें कोई तकल्लुफ नहीं है। हमारे एक उस्ताद थे मौलाना अबुल इरफान नदवी रहमतुल्लाह अलैह जौनपुर के पीरो नदवे के, मौलाना हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी के ज़माने में वो उसके पूरे नदवी के वो जो तो प्रिंसिपल भी रहे यूनिवर्सिटी के, वो बड़े अहदे पर रहे हैं जिसको मदरसों की दुनिया में मोहतमीम कहा जाता है। तो वो एक दफ़े मिसाल देने लगे कि भाई तवाज़ो किसे कहते हैं, बहुत प्यारी बात है आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, तवाज़ो किसे कहते हैं। कहने लगे कि अगर अमीर आदमी दौलतमंद आदमी बोले अरे भाई मेरे पास क्या है, तो आप समझ जाएंगे यार अमीर है और तवाज़ो कर रहा है, बोल रहा है मेरे पास क्या है। अगर एक फ़कीर आदमी आपसे बोले अरे जनाब मेरे पास क्या है, आप बोलेंगे तवाज़ो इनके सारी से काम ले रहा है, वो हकीकत बोल रहा है। हम ऐसे फ़कीर हैं, हम जैसे उलमा आज के दौर के, सच बात यह है कि हम मुजरिम हैं अपनी उम्मत के और अल्लाह के यहाँ हम मुजरिम हैं कि हमने इस इल्म को जिस तरह से सीखना चाहिए था और जैसा इसको वक्त देना चाहिए था हमने नहीं किया, अल्लाह ही माफ़ करने वाला है। दुआ करें कि मुझ जैसे उलमा को अल्लाह ताला बाकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर यार। जज़ाकुमुल्लाह ज़फर भाई, बहुत ही प्यारा दरस था भाई, बहुत माशाल्लाह मालूमात का खजाना था। ये तो हमको तो बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतनी चीजें मालूम भी नहीं थी अब तक, माशाल्लाह। एक आपका एक जाती सवाल है ज़फर भाई। जी जी बोलिए। अब जैसा ये मेरे को ये मुहद्दिस बोलते हैं तो आवाज साफ नहीं आ रही है। अच्छा खरी बात ये आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा लगाऊं? नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है क्लियर 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 है जफर भाई, सब सबको क्लियर है। अब आ रही है यादव भाई, बोलिए। तो जफर भाई ये ऐसा अक्सर बोलते हैं ना वो मुहद्दिस थे, मुहद्दिस के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्या आने इसकी वो है, मुहद्दिस किन को बोला जाता है, क्या जैसा आलिम बोले तो वो आलिमियत का कोर्स करे होते हैं, जी जी मुहद्दिस बोले तो क्या क्वालिफिकेशन क्या है? समझ गया जी। हाँ मुहद्दिस हमारे आने के लिए आलिम हो जाना, फाजिल हो जाना, डॉक्टरेट की डिग्री लेना, ये इन चीजों से कोई मुहद्दिस नहीं बनता। अगर से उसने हदीस में भी डॉक्टरेट की है तो उसे मुहद्दिस नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो शख्स जो इन डिग्रियों को लेने से पहले या उसके दौरान या उसके बाद वो इस वक्त की दुनिया में हदीस की जितनी किताबें हैं उसमें जितनी सनदें आई हैं, और आप सनद का लफ्ज़ समझ गए नरेशंस, वो उन सारे नरेशंस के फर्कों को जानता हो, और बाद उलमा ने शर्त लगाई है कि उसे भी 1,00,000 हदीसें याद हो, तो ये एक एडिशनल शर्त है। मेरा मतलब है कि उसको सबसे पहले अरबी ऐसी आए जो उस स्टैंडर्ड की हो कि जो कुरान हदीस के समझने के लिए जरूरी है, खाली 2-4 अल्फाज बोलने का नाम ना हो, उसको अरबी जबान, उसकी डिक्शनरी, उसकी शायरी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले की अरबी, उसके उस वक्त के दौर की अरबी, उस जबान की नोक पलक उसे पता हो, उसे तफसीर फिका और अरबी अदब इसमें मुकम्मल महारत हो और लोग मानते हो कि हाँ भाई ये इसमें ऑथेंटिक है। अब इसके साथ साथ हदीस की सनदों का उसको पूरा इल्म हो,
और उसमें हदीसों में जो असल चीज बयान की गई है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से बयान किए हुए मुकद्दस अल्फाज, जिसको हम हदीस की दुनिया में कहते हैं मतन, मीम ता नून, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट के बारे में भी उसको पता हो। और पता होने का मतलब ये नहीं है खाली ये मालूम हो कि ये हदीस फलाने बयान की, हदीस फलाने बयान की, उस बयान करने वालों की बायोग्राफी, उनका बैकग्राउंड, जिन हालात में उन्होंने ये हदीस बयान की, हर दो नैरेटर्स का कनेक्शन उनके जमाने के एतबार से, उम्रों के एतबार से, इल्म के एतबार से, उनकी मेमोरी के एतबार से, और उनके जो है तो तकवे तहारत के एतबार से उसको इल्म, वो सब सारे टॉप ऑफ द फिंगर हो, तो फिर ऐसे शख्स को मुहद्दिस कहा जाता है। जैसे हमारे इस दौर में शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब से, हिंदुस्तान से शेख मौलाना आजमी है, मौलाना अब्दुर्रहमान, में नाम नहीं याद आ रहा, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, और अभी हाल में एक बड़े और आजमगढ़ के बड़े मुहद्दिस हैं, जो कि एक हिंदू घराने से थे और हाँ। मुसलमान हुए। जी जी उनका नाम भी आजमी था आखिरी में, आजमगढ़ के हैं। तो हाँ, ये हजरात जो है मुहद्दिस, जैसे इंडिया से अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, जिनके कुरान हदीस के इल्म में उसको जो है अल्लामा रशीद रदा अपने वक्त के अरब दुनिया के सबसे माने हुए, उन्होंने भी जो है तो माना है, तो इन लोगों को मुहद्दिस कहा जाएगा। और उसके अलावा हमारे जैसे हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे, वो माशाल्लाह अहले इल्म है, उन्हें हदीसों का इल्म है, मगर वो इल्म ऐसा ही है जैसे कि आपने जो तो एक यूएसबी में इल्म भर दिया, बाद में उसको ऑन किया तो उसमें जो था वो ही आपने सुना। तो हम भी आपके साथ इतना ही कर रहे हैं, तो हम किताबों में जो पढ़ रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे कहें कि फलां हदीस की जो सनद है उसमें जो फलां फलां ने बयान किया है, आप जरा इनके हालात हमको बताइए, तो हम नहीं बता सकते, ना हमने वो मेहनत की, ना हमने वो पढ़ा, ना उसके लिए इतना वक्त दिया। तो ये होता है, मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे देर हो रही है। आखिरी सवाल जाती है जरा, आपको कितनी हदीसें याद है जफर भाई? जब सच्ची बात के जमाने में आदम भाई, सच्ची बात ये है कि अभी तक कभी अपने बारे में ये सोचा ही नहीं आज तक कि कितनी हदीसें याद हैं। अगर याद होंगी शायद 100 की मिकदार पहुंचे, वरना बाकी सारा काम किताबों को देख देख के बोलना है। अभी मैं इमाम बुखारी का हदीस आपको सुना रहा हूँ, जब आप तालिबे इल्म के जमाने में थे, लेकिन जो खास मुझे रेफरेंस देना मुझे देखना पड़ रहा है, लेकिन जब आप तालिबे इल्म के जमाने में थे, बदकिस्मती से आदम भाई हमारे दीनी मदरसों की जितने मदरसे हैं ना, चाहे हनफी शाफई सलफी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, बदकिस्मती से इन सारे मदरसों में, और यहाँ तक अर्ज करूं अरब दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में, इस बात पर किसी भी इस्लामी यूनिवर्सिटी को तवज्जो नहीं है कि वो अपने यहाँ आलिम और फाजिल बनने वालों के लिए एक क्वांटिटी मुकर्र करे कि तुम्हें सर्टिफिकेट उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा जब तक तुमको इतनी हदीसें याद ना हो, किसी भी जगह नहीं है। तो नतीजे में सारे उलमा क्या करते हैं, या जितनी हदीसें याद हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, अगर नहीं हुई है तो उसका बदल क्या है, किताबें मौजूद है, लिखे हैं, जब जो चाहा रेफरेंस के तौर पर बुक को खोला उसमें से हदीसें देख ली, बयान कर दी, तो इस तरह की ये बात है। मैं इजाजत चाहूंगा, दुआ कर लें। हमने आज की इस मजलिस में तेरे नेक बंदे, तेरे इंतहाई नेक बंदे, और तेरे बंदे ने जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को हम पहुँचाया, अल्लाह हमारी बातों को कबूल फरमा, कहने सुनने वालों को हर हदीस का एहतराम मोहब्बत अदा फरमा, ए अल्लाह हदीस को देखने की तौफीक अदा फरमा, अपने अपने मजहब और मसलक को छोड़कर सबसे पहले हदीसों पर अमल करने की तौफीक अदा फरमा, ए अल्लाह जितनी हदीसें हम अपने तौर पर बयान करते हैं, जितने हदीसें हमारे दूसरे भाई बयान करते हैं, उन सब हदीसों का एहतराम और मोहब्बत और अमल अता फरमा, ए अल्लाह हदीसों को याद करना आसान फरमा, हदीसों का मतलब समझना आसान फरमा, हदीसों का पैगाम जो है हर मुसलमान तक पहुंचाना आसान फरमा, ए अल्लाह हमारी इस मजलिस में हर एक की और सारे मुसलमानों की मगफिरत फरमा,
पहली भी बीमारी से और दूसरी तमाम बीमारियों से हमारी हमारे भी आल औलाद की और हर मुसलमान के उसकी आल औलाद की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों को कुरान हदीस की बातों से अल्लाह आबाद फरमा, हमारे मर्दों को, हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे जवानों को, हमारे बूढ़ों को दीन के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को और दुनिया के हर मुसलमान की हर जायज दुआ को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिही सहाबी अजमईन, रहमतिक या अरहमर रहीमीन। जफर भाई अगली नेक्स्ट नशिस्त में मुझे सिर्फ आपसे बुखारी साहब के बारे में